हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं केपिट टेक्नोलॉजीज़ की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप नोटिस कर लोगे वही पुराना चार्ट है जो पहले यूज़ किया था, और उस टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था ये जो लेवल आप देख रहे हो ऊपर रेक्टेंगल, ये एज इट इज़ एक हर्डल फेस करेगा स्टॉक को आने वाले टाइम में, और जब तक स्टॉक इस हर्डल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक स्टॉक में रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। ये हर्डल बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है स्टॉक में, यहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल्स आ रहे हैंगे। और नीचे का एक जो सपोर्ट मैंने बताया था वो आज भी काम करते हुए दिख रहा है। ये वाला वो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन देख रहे होगे आप, यहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट मिलता है। आज की बात कर लें तो स्टॉक में बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, 5% के अराउंड ड्रॉप था और स्टॉक आके सीधा ट्रेंड लाइन के पास ही रुका है। तो फिलहाल स्टॉक ने सपोर्ट तो ले लिया है, और अगर अब बाय टुमारो स्टॉक सही चलता है तो इट्स वेल एंड गुड, और स्टॉक फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। तो ये कुछ लेवल्स होने वाले हैं जहाँ स्टॉक को एक हर्डल फेस देखने को मिलेगा आपको। ये कुछ सेलर्स का एरिया होगा, इसको 1RTF पे देख लेते हैं तो और भी बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे अब आप नोटिस करोगे कि ये वाला स्टॉक में आज बायर्स का एरिया था इनका, जस्ट ट्रेंड लाइन के पास ही है तो बायर्स तो ऑब्वियसली एक्टिव रहने ही है। और इस लेवल तक अगर स्टॉक यहाँ से पंप होगा तो ये लेवल स्टॉक के लिए एक इमीडिएट हर्डल होगा। इसके बाद जब स्टॉक चलेगा तो फिर ऊपर यहाँ तक दिशा निर्धारित करेगा वो अपनी, अदरवाइज़ यहाँ से और फॉल होता है अगर स्टॉक तो फिर आपका ये वाला एक 1055 का लेवल रहेगा। क्योंकि यहाँ पहले भी आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में बहुत सपोर्ट लिया है, ये पूरा सपोर्ट वाला एरिया है स्टॉक का, यहीं से आप देखोगे स्टॉक में बाउंस हो रखा है। तो अगर फॉल होता है तो स्टॉक 1055 का लेवल कल दिखा सकता है, और अगर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा, बुलिश मोमेंटम रहेगा स्टॉक में, तो 1100 के लेवल के अराउंड स्टॉक को रहना चाहिए। और जो मेन मोमेंटम रहेगा स्टॉक में वो ये है कि जब तक स्टॉक इस लेवल को क्लियर नहीं करता है 1180, इसके ऊपर की क्लोजिंग इवन आप मान लो हाई 1200 का, तो वहाँ पे तब तक नहीं जाएगा स्टॉक और वो लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक कोई ऊपर की बढ़त देखने को नहीं मिलने वाली है स्टॉक में फिलहाल के लिए। फिलहाल ट्रेंड लाइन दो होल्ड करके रखे हैं स्टॉक को, एक ये वाली और एक नीचे वाली फ्लैट, और ये वाली आपको दिख ही रही है। इनके नीचे जब स्टॉक जाएगा तब स्टॉक में वीकनेस शुरू होगी, तो उस हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। फॉल इस सिंपल है क्योंकि आप देखोगे मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है दो दिन से, यही वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स फॉल दिखा रहे हैं जो एक बुलिश मोमेंटम पे थे। और 1RTF पे अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ से कल ही की बात है 21 से स्टॉक ने फॉल दिखाया है, आज 21 इवन 20 है, कल इधर कहीं से स्टॉक ने फॉल देखने को शुरू मिला है। क्योंकि मार्केट बिगड़ा तो स्टॉक आप देखोगे ऑब्वियसली सीधे नतीजे नीचे ही गिरते हुए दिखते आएंगे। तो ये मोमेंटम रहने वाला है आपका केपिट में। दोनों लेवल्स मैंने नीचे के शेयर कर ही दिए हैं, और एज सच ऊपर के लेवल्स भी मैंने ही बताई दिए हैं। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।